Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel Food Fashion Time। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सहारनपुर की फेमस कीमा कचौरी की रेसिपी। ये एक बहुत डिलीशियस और फेमस रेसिपी है, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमें किस इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। यहाँ मैंने 500 ग्राम कीमा लिया है, इसे मैंने मशीन में अच्छे से निकलवा लिया था और इसे वॉश करके 2 घंटे के लिए मैंने रख दिया था। इसी के साथ यहाँ मैंने 2 अनियन 2 प्याज लिए, इन्हें बारीक चॉप कर लिया था। यहाँ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम लेंगे एक प्रेशर कुकर और अपना कीमा और सभी स्पाइसेस और प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप मस्टर्ड ऑयल, इसका टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। और 1 कप पानी हम इसके अंदर डाल के कुकर के लीड को कवर करके 30 मिनट्स के लिए हम लो फ्लेम पर पका लेंगे। देखिए 30 मिनट्स हमारे हो चुके हैं, कीमा हम अपना चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह हमारा कीमा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अगर इसके अंदर थोड़ा सा पानी हो तो आप हाई फ्लेम पर इसका पानी को ड्राई कर लीजिएगा। चलिए तो कचौरी बनाने स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने आटा गूंद लिया था, आटा आप नॉर्मल गूंद लीजिएगा, जिस तरह से घर में हम गूंदते हैं उसका हम एक पपेड़ा बनाएंगे और थोड़ा सा पानी लगाएंगे हम और इसके अंदर हम अपने कीमे की स्टफिंग को भरते रहेंगे और इसका अच्छा से एक रोल बना लेंगे। देखिए कीमे की स्टफिंग हमने भर ली है इसके अंदर। अब हम इसे साइड से पकड़ते हुए फोल्ड कर देंगे। हमें इसे बहुत अच्छे से कवर करना है और जहाँ से आपका, अगर कहीं से आपका पेड़ा फट रहा हो या इसमें से खुल रहा हो तो आप इसके अंदर थोड़ा सा आटा लगाकर उसे कवर कर लीजिएगा तो यह आपका सही हो जाएगा। और पानी के हाथ लगाते लगाते हम इसे फैलाते जाएंगे। देखिए मैंने पानी का हाथ लगाकर इसे बहुत अच्छे से फैला लिया है और मेरी कचौरी बहुत अच्छी रेडी हो चुकी है। अब मैंने गैस पर एक कढ़ाई में तेल पहले ही गर्म करने रख दिया था और हल्के हाथ से पकड़कर हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे और अभी हम इसे 10 से 15 सेकंड बिल्कुल टच नहीं करेंगे। देखिए 10 से 15 मिनट बाद हम हल्के हाथ से इसको चलाते रहेंगे। हमें इसे बहुत हल्के हाथ से चलाना है, एकदम तेज़ हाथ से हमें इसके अंदर स्पैचुला या चम्मच कुछ भी नहीं चलाना है। देखिए ये कचौरी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे दूसरी साइड से इसी तरह से सेक लेंगे। देखिए दूसरी साइड, एक साइड से हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, दूसरी साइड से भी हमारी कचौरी बहुत अच्छे से हो चुकी है। अब हम इसे करते हैं डिश आउट। माशाल्लाह देखिए हमारी कचौरी कितनी बढ़िया रेडी हुई है। एक बार आप स्टेप बाय स्टेप इस मेथड से इसे ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसी तरह हम सब कचौरी रेडी कर लेंगे। अब हमें प्याज की सलाद के साथ और हरी चटनी के साथ और दही के साथ आप इसे सर्व कीजिएगा। एक बार आप इसे जब खिलाएंगे सबको, इंशाल्लाह तारीफ़ करते करते आपके लोग थकेंगे नहीं और आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।